आज की रेसिपी है पुदीने वाला आम पन्ना। और इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो आम। आम हमने धोकर अच्छी तरह से 1.25 लीटर पानी में प्रेशर कुकर में बॉईल कर दिया है। सीटी आने के 2 मिनट बाद हमने प्रेशर कुकर को गैस से उतार दिया है और ठंडा कर लिया है। ये गोला आम है जिसका पल्प काफ़ी होता है, तो हमने इसीलिए ये गोला आम लिया है। और इसी पानी में हम पल्प जो है वो अलग से निकाल देंगे। फिर हमें चीनी चाहिए 750 ग्राम, और ये पुदीने का पानी है जो हमने 25-30 ग्राम पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, उसे पानी थोड़ा सा डालकर हम ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। अब इसको छान कर हम ये पानी हमने निकाल लिया है। तो ये पुदीने का पानी है ताज़े पत्तियों का। उसके बाद में हमें चाहिए काला नमक 6 से 7 टेबल स्पून, और सफ़ेद नमक जो आम नमक है वो 1 टेबल स्पून। अब हम इसी पानी में आम का जो गूदा है वो निकाल देंगे, छिलके अलग कर देंगे, और जो पल्प है जो गूदा है उसी पानी में हम उसको निकाल देंगे, और जो उसकी सीड्स हैं जो गिटके हैं वो भी हम निकाल कर अलग कर देंगे। तो जो सीड है उसकी आम की और जो छिलका है वो हम अलग से आप देख रहे हैं कि निकाल रहे हैं। उसके बाद में जो गूदा है उसी में रहने देंगे, क्योंकि वही पानी जो है हम उसी का आम पन्ना बनाएंगे। गूदे को हमने अच्छी तरह से मसल कर निकाल कर पानी में रख दिया है, और अब ये सारा गूदा जो है वो पानी में आ गया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, काला नमक डालेंगे, सफ़ेद नमक, और जो पुदीने का पानी है जो हमने पुदीने को भी पत्तियों को ब्लेंड किया है पानी में, उसको हम स्ट्रेन कर देंगे, इसमें छान देंगे, सो पत्तियाँ अलग हो जाएंगी और सिर्फ पानी जो है वो हम लेंगे। तो ये पत्तियों का पानी भी हमने ले लिया है। अब इसको ब्लेंडर से हम इसको ब्लेंड करेंगे ताकि जो गूदा है सारा अच्छी तरह से इस पानी में मिक्स हो जाए। आम का गूदा अच्छी तरह से पानी में ब्लेंड हो गया है। आपका आम पन्ना कॉन्सेंट्रेट तैयार है, इसे बोतलों में भर लेंगे। हमने जो सामान लिया है उसमें से तकरीबन 1800 ml 1850 ml कॉन्सेंट्रेट बना है, और अब इसको अच्छी तरह से हम टाइट कर देंगे कैप को और फ्रिज में स्टोर करें। सर्व करने के लिए ठंडे पानी में 50-60 ml कॉन्सेंट्रेट डालें, कुछ बूंदी डालें जैसे हम डाल रहे हैं, और कुछ पुदीने की ताज़ी पत्तियां कटी हुई ये डालें। चाहें तो बर्फ़ डालकर सर्व करें, चाहे चिल्ड वाटर पर सर्व करें, गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसे ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक दें। हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।